हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू रोटेट ए वीडियो इन फिल्मोरा। तो गाइस, यहां पर रोटेट से मेरा मतलब ये है कि कभी कभी जब हम अपने मोबाइल से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी वो क्या होता है, यू वर्टिकल डायरेक्शन में रिकॉर्ड हो जाते हैं, और हमें अगर उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करना है या फेसबुक पे अपलोड करना है तो हम चाहते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल हो, मतलब ऐसा हो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, ना कि वर्टिकल फॉर्म में। तो गाइस, जो वीडियो गलती से वर्टिकल फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाते हैं उनको कैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर ओपन कर रखा है और इसके अंदर आप काफी सारे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन इसमें दो वीडियोस, एक ये और एक ये दोनों वीडियोस जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिकॉर्ड हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस वर्टिकल डायरेक्शन में इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये पूरा वर्टिकल फॉर्म में आएगा, और अगर इस तरीके से मैं इसको देख तो सकता हूँ लेकिन मैं अगर इसे यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि यूट्यूब का जो फॉर्मेट है वो 1280x720 पिक्सल रहता है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पूरा स्क्रीन कवर हो रहा है इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, तो अब ये बहुत खराब लगेगा अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे अपलोड कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इस वीडियो को फिल्मोरा में ले जाके इसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिल्मोरा ओपन कर रखा है, तो अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लूंगा और इसको फिल्मोरा में लाके इसको ड्रॉप कर दूंगा, और एक बार जब मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे प्लस का आइकन होता है, तो ये तो आप जानते होंगे फिल्मोरा का यूज करना, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, तो हमें इसमें डोंट चेंज पे क्लिक करना है और ये हमारे यहाँ पर वर्क एरिया में आ जाएगा। तो वर्क एरिया में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे वर्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रोटेट 990 CCW पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये वीडियो सीधा हो गया है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ बाउंड्रीज है, ब्लैक कलर की बाउंड्रीज, जो कि बहुत खराब लगेगी अगर मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। तो गाइस, मुझे इस बाउंड्री को भी रिमूव करना पड़ेगा, बिना रिमूव करे ये वीडियो फुल स्क्रीन में नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसको फुल स्क्रीन में करने के लिए वापस वर्क एरिया में आना है और इस वीडियो पर राइट क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, क्रॉप एंड जूम और क्रॉप टू फिट। तो यहाँ पर आपको क्रॉप टू फिट का जो ऑप्शन है वो नहीं करना है। क्रॉप टू फिट पढ़ के ऐसा लगता है जैसे एक क्लिक करेंगे और ये वीडियो पूरे स्क्रीन में फिट हो जाएगा, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है, ये फिट होगा लेकिन टॉप का बॉर्डर हटा देगा और बॉटम में जो बॉर्डर है वो हटा देगा, लेकिन राइट और लेफ्ट साइड में बॉर्डर तब भी रहेगा। तो आपको यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको क्रॉप एंड जूम पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रॉप एंड जूम पे क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो यहाँ पर फिर से वर्टिकल दिखेगा। तो अगर मैं इसको अभी फिलहाल क्रॉप है, इससे ज्यादा तो जूम ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पर अगर मैं इस पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर से ये वर्टिकल हो जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर करना यह है कि मुझे यहाँ, मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर दूंगा, तो आपको भी इसे कैंसिल करना है। कैंसिल करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रीव्यू है वीडियो का, इसके चारों तरफ सिलेक्शन आ गया है। ठीक है, तो सिलेक्शन आने के बाद हमें इस वीडियो को ड्रैग करके कॉर्नर पे लेके जाना है, एकदम कॉर्नर पे लेके जाएंगे हम इस वीडियो को, और उसके बाद यहाँ पर राइट साइड बॉटम कॉर्नर में ये देखिए, यहां से पकड़ के हम इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करके इसको पूरा मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं उतना ले जाके हम इसको छोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरे फुल स्क्रीन में इसको ड्रैग कर लिया है। ठीक है, तो ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर स्टॉप पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइस, अब देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन में है ये वीडियो। तो चलिए मैं अब आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो जब मैंने इसको प्ले किया तो आप देख सकते हैं ये वीडियो फुल स्क्रीन में प्ले हो रहा है, लेकिन अभी तक तो ये वीडियो जो है ये यहाँ पर हम फिल्मोरा में देख रहे हैं, हमें इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक हम इसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसको कहीं पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल हमें यहाँ पर वही सिस्टम है एक्सपोर्ट करने का, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, एलिफेंट। तो गाइस, ये जो एलिफेंट आप देख रहे हैं मार्बल एलिफेंट है, तो मेरा एक बिजनेस है जिसका नाम है www.craftseller.com। इस वेबसाइट पे मैं ये सारे प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ये मेरे प्रोडक्ट के वीडियोस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस तरह के कोई आइटम खरीद परचेस करना, तो आप www.craftseller.com की वेबसाइट पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर सेटिंग में जाना होता है,
और बेस्ट सेलेक्ट करना है, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, 30 FPS सेलेक्ट करना है और लास्ट में ओके कर देना है। ओके करके इसको आपको जहां पर भी एक्सपोर्ट करना है वहां पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। और मैं चलिए इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ओके एक्सपोर्ट मैंने क्लिक कर दिया है, तो अभी ये एक्सपोर्ट हो रहा है। इसको थोड़ा तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट हो चुका है और अब हम फाइंड टारगेट पे क्लिक करेंगे और मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा कि एक्सपोर्ट होने के बाद ये वीडियो कैसा लगा। अब आप देख सकते हैं ये फाइनल एक्सपोर्ट किया था मैंने, एलिफेंट नाम रखा था इसको। तो अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको, तो ये फुल स्क्रीन में प्ले होगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, वर्टिकल वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और अब ये रेडी है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। और एग्जैक्टली मैं इस वीडियो को यूट्यूब के लिए ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक और चैनल है मेरा क्राफ्ट ले लो का, तो वहां पर मैं प्रोडक्ट वीडियोस बनाता हूँ और उसके थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ। तो अगर आप जाके देखना चाहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स और उनके वीडियोज, तो आप क्राफ्ट ले लो के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और आप देख सकते हैं उन प्रोडक्ट्स वीडियो को। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस कर सकते हैं, आपके घर पे ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।